हाँ दोस्तों, हमें पता है कि हमें इंटरनेट पे दिखाई गई हर चीज़ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स का क्या जो हमें बचपन से रटाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीज़ें भी कभी कभार गलत साबित हो जाती है। फिर वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का स्पेस से दिखना हो, या फिर जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्कूल में मैथ में फेल हो जाना। इसलिए दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम आपको उन झूठ के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं। और अंत में हमने आपके लिए सच्चाई जो रखी है ना, उसे जानकर आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इजिप्ट में बना पिरामिड किसने बनाया, तो हमें पता है कि आप यही जवाब देंगे कि इजिप्ट में रहने वाले मजदूरों ने मेहनत करके इस पिरामिड को तैयार किया था। लेकिन हम आपके भ्रम को दूर करते हुए यह कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज़्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ, इस पिरामिड को बनाने के लिए एंशियंट इजिप्ट के अच्छे खासे पॉपुलेशन ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था। चलिए दोस्तों, अब आपके सबसे फेवरेट माइकल जैक्सन की बात करते हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूज़िक में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था, जहां ये सिंगर के साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे और इनके डांस मूव्स तो बिल्कुल माशा अल्लाह थे। ऐसे ही इनका जो मून वॉक करने का स्टाइल था, वो लोगों में बड़ा फेमस हुआ। पर अफसोस दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मून वॉक को माइकल जैक्सन ने इन्वेंट नहीं किया था, हालांकि उन्होंने इसे 1983 में परफॉर्म किया था। पर दोस्तों, माइकल जैक्सन ने मून वॉक कैश पर कैंडिडेट और कूली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने इसे 1970 में परफॉर्म कर दिया था। पर मार्कल मार्क्यू ने इस मून वॉक को माइकल जैक्सन से पहले परफॉर्म कर दिया था, और उन सब से पहले एक पॉप डांसर बेल बैली ने इस मून वॉक को परफॉर्म कर दिया था। पर अफसोस दोस्तों, इस मून वॉक को माइकल जैक्सन ने तो इन्वेंट नहीं किया था। अब चलिए दोस्तों, अब आपको एक और मिथ बस्टर स्टोरी सुनाते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि लॉन्ग नेक मॉन्स्टर की फेक स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस मॉन्स्टर की फेक फ़ोटो न्यूज़पेपर में दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और कई सारे लोगों ने तो इस बात पर विश्वास भी कर लिया था। सालों पहले यह गायब हो चुका क्रिएचर अब वापस से तहलका मचाने आ गया। ऐसे में दोस्तों, लॉन्ग नेक को स्कॉटलैंड में देखे जाने की बात कही गई थी। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा था, और करीब 60 सालों तक इनकी ली गई तस्वीर को सच्चा समझा जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के दिन चार, सच चले हजार साल। दोस्तों, हमें पता है कि हमारी बनाई गई कहावत अच्छी नहीं है, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि 1994 में ये बात लोगों के सामने आ गई कि लॉन्ग नेक मॉन्स्टर का जो शेप उस तस्वीर में था, वो कुछ और नहीं बल्कि एक टॉय सबमरीन था, और ऐसा किया था मारमाडुके वेदरऑल नामक एक जर्नलिस्ट ने, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर से बदला ले सके, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर ने लॉन्ग नेक मॉन्स्टर के बारे में छापने से उन्हें बातें सुना दी थी, और इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कहानी रची जिसका चंगुल में दुनिया करीब 60 सालों तक थी। दोस्तों, जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा? मांचू पिचू, ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम आपको बता दें कि ये इतना भी ग्रेट नहीं है कि ये स्पेस से दिखने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, कि सच्चाई यह है कि ये इतना बड़ा भी नहीं है, इसे हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर किसी भी जगह से देखा जा सके, फिर वो चाहे मून ही क्यों ना हो, जो हमारे सबसे करीब है। और ये हम अपने मन से नहीं कर रहे, बल्कि खुद नासा ने इस बात को साबित किया था। हालांकि भले ही ये 21,196 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम से मात्र 20 फीट चौड़ी है और टॉप से केवल 16 फीट चौड़ी है। हम आपको बता दें कि ये अफवाह 1754 के आसपास शुरू हुई। ऐसे में ये चीज़ हमारे चांद के ऊपर पहुंचने और स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाने से बहुत पहले की बात है, तो ये सिवाय अफवाह के और कुछ नहीं है। अब भले ही यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में लोग जाते हों, पर अफसोस वो चाइना के जिस दीवार पर खड़े होते हैं, वो स्पेस से तो नहीं दिखती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।